हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुड़ और मूंगफली की पट्टी, जिसको हम गज्जक के नाम से भी जानते हैं। और सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी लगती है और सभी के घरों में खाई जाती है। ज़्यादातर हम इसको मार्केट से ही लेके आते हैं, आज हम इसको घर पर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए हमने एक कटोरी मूंगफली और एक कटोरी गुड़ को लिया है। मूंगफली ये हमने कच्चे दाने लिए हैं, इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे एक कढ़ाई में। लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर हम इन मूंगफलियों को भून लेंगे। जब मूंगफलियाँ भून जाती हैं तो इनके चटकने की आवाज़ें आ जाती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इनका छिलका भी उतरने लग गया है, तो इसका मतलब हमारी मूंगफलियाँ जो हैं भुन गई हैं। हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम इनको एक इस तरह से किचन टॉवल में रखेंगे और इसको इस तरह से हाथ के साथ मसल देंगे, तो इसका सारा छिलका बड़े ही आराम से उतर जाएगा और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह से हम इसको बर्तन में निकाल के इसको छटक लेंगे और इस तरह से ये देखिए सारी मूंगफलियाँ साफ़ हो गई हैं। तो इसमें से हम थोड़ी सी को बाद में ऊपर डालने के लिए रख लेंगे और बाकी सारी मूंगफलियों को हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। इनको हमने मिक्सी में चला लिया है और ये देखिए, ना हमने ज़्यादा मोटी रखी है और ना ही इसको ज़्यादा बारीक किया है। तो इस तरह का हम इसका एक मिक्सचर बना लेंगे और इसको एक तरफ रख लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। घी के अंदर अगर हम ये गज्जक बनाते हैं तो इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को हम तोड़ के डाल सकते हैं, आप चाहें इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और इसको हम धीमी धीमी आंच पर घी के अंदर गुड़ को गर्म करेंगे और थोड़ी ही देर में गुड़ जो है एकदम मेल्ट हो जाएगा। तब तक हम एक तैयारी और कर लेते हैं। प्लेट के ऊपर हम थोड़ा सा घी या तेल लगा के इसको चिकना करके रख लेंगे और ये देखिए हमारा गुड़ जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है, अब ये पिघलने लगा है। तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे जल सकता है। तो ये देखिए हमारा गुड़ पूरी तरह से पिघलने लगा है और अब ये बिल्कुल पूरी तरह से पिघल चुका है। तो इसकी हमने थोड़ी सी एक चाशनी टाइप बनानी है। जब तक ये हमारी चाशनी तैयार होती है, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम इस चाशनी को देखेंगे पानी में डाल के। ये देखिए, ये अभी हमारी कच्ची है चाशनी। अगर इस तरह से नरम गुड़ लगता है तो इसका मतलब चाशनी कच्ची है। अब इसको हम एक दो मिनट के लिए थोड़ा और चलाएँगे और फिर से इसको पानी में टेस्ट करके देखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अगर टूटता है तो हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार है मूंगफली डालने के लिए। अब इसमें हम एक काम और करेंगे, जब ये चाशनी तैयार हो जाए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा डालने से हमारी जो चिक्की है, पट्टी है, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। बड़ा ही अच्छा सा खस्ता सा इसका टेस्ट इसमें आता है। और इसको हम चलाएंगे, थोड़ा सा खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। और अब ये हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसमें हम डाल देंगे जो हमने मूंगफली पीसी थी, उसको हम इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये काम हमने जल्दी जल्दी कर लेना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो इसको हम अच्छे से सारे को मिक्स कर लेंगे। पूरी तरह से इसको मिक्स कर लिया है
और ये देखिए आसपास से जो चिपका हुआ है उसको सारे को हम उतार के अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से ये पूरी तरह से बंध जाएगा। और अब हम गैस को कर देंगे बंद और ये हमारा इसका काम हो गया है। अब हम इसको जो प्लेट हमने चिकना करके रखी है उसके अंदर फैला लेंगे और इस काम को हमने बड़ी ही जल्दी जल्दी कर लेना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। इस तरह से दबा दबा के हम इसको प्लेट में फैला लेंगे। आप इसको किसी भी बर्तन में फैला सकते हैं। अब इसको गरम गरम के अंदर ही ऊपर से हम थोड़ा सा नारियल कस के इसमें डाल देंगे और जो मूंगफली की गिरिया हमने बचाई थी वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह से दबा दबा के इसको पूरी तरह से सेट कर देंगे और अभी जब ये गरम गरम है तभी इसके हम पीसेस कट कर लेंगे क्योंकि सूखने के बाद ठंडा होने के बाद इसके पीस कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसी समय इसके पीस करके रख लेंगे। इसको सेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये केवल 5-10-15 मिनट के अंदर ही ये सेट होके तैयार हो जाती है। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी मूंगफली की चिक्की बनी है, गजब। इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और अगर वीडियो आपको पसंद ना आई हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।